हर एक धर्म मानवीय मूल्यों और उससे जुड़े रीति रिवाज, परंपरा और दर्शन पर आधारित होता है। मजहब इस्लाम भी इससे अलग नहीं है। इस्लाम एक ईश्वर के सिद्धांत को मानता है और उसके अनुयायी इसी राह पर चलते हैं। सुन्नी लोग और शिया लोग दोनों एक ही मजहब के मानने वाले हैं। दोनों का कुरान एक है, मजहब इस्लाम एक है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के एक हैं। और जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम जो शियों के इमाम हैं, वो मुसलमानों के सुन्नियों के भी वो इमाम हैं, वो मोहतरम हैं और उनको सुन्नी मुसलमान भी बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। उनके साहबजादे हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु और उनके छोटे भाई हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु और उनके बाद आने वाले तमाम इमाम सुन्नी मुसलमानों के भी इमाम हैं, मोहतरम हैं। और सुन्नी मुसलमान किसी का भी कोई बेइज्जती नहीं करते, कोई उनकी शान में गुस्ताखी नहीं करते। इस्लाम को जानने और समझने का असल माध्यम कुरान है। कुरान ने इस्लाम धर्म को दीन से अभिव्यक्त किया है और इसके हवाले से कहा गया है कि मुसलमान दीन को स्थापित करें और इसमें भेद पैदा ना करें। लेकिन वक्त के साथ इस्लाम के दो अलग अलग फिरके सामने आए, शिया और सुन्नी के रूप में। शिया और सुन्नी मुसलमानों में दो सेक्ट हैं जो अलग अलग माने जाते हैं, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। सुन्नी और शिया दोनों उसी तरह नमाज पढ़ते हैं, थोड़े बहुत फ़र्क के साथ। कुरान उनका वही है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा भी उनका वही है और दीन भी वही है। लेकिन सुन्नी लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके घर वाले यानी अहले बैत का एहतराम करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं। और वो सहाबा किराम के जो जलीलुल क़द्र हैं, जिनका बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है, उनका भी एहतराम करते हैं। सुन्नी इस्लाम के सबसे बड़े संप्रदाय को मानने वाले मुसलमान हैं। सुन्नी शब्द अरबी के सुन्ना से आया है, जिसका अर्थ होता है पैगंबर मोहम्मद की बातें या उनके आदर्श। वहीं शिया इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा संप्रदाय है, जो पूरी मुस्लिम आबादी का लगभग सातवां हिस्सा है। इस संप्रदाय के लोग मुख्य तौर पर ईरान, इराक, बहरीन और अजरबैजान में रहते हैं। भारत में भी यह समुदाय एक अल्पसंख्यक के रूप में निवास करते हैं। वो तमाम ही लोग जिन्होंने प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, उनका कलमा पढ़ा, उनके ऊपर जान निसावर की और जिन्होंने उनकी बातों को माना, हर मुसलमान को चाहिए कि एक एक हर एक का एहतराम करे, किसी की शान में गुस्ताखी न करे। क्यों कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले वो सहाबा किराम जिन्होंने हर वक्त 24 घंटे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उनकी ज़ियारत की, उनकी बातें सुनी और उनकी बातों पे अमल किया और सारी ज़िंदगी दीन इस्लाम की राह में वक्फ कर दी, वो हमारे सबके लिए मोहतरम हैं और हमें सबका एहतराम करना चाहिए। इस्लामी जगत में शिया और सुन्नी दोनों फिरके का अपना अलग अलग वजूद है। एक ही खुदा, एक ही कुरान और एक ही पैगंबर को मानते हुए भी इनके बीच आपसी मतभेद हैं। लेकिन ये भी सच है कि ये दोनों ही मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिया और सुन्नी में कोई फर्क नहीं है। एक तरफ शिया बैठे हैं और एक तरफ सुन्नी बैठे हैं और तीसरा कोई शख्स अगर आके ये पूछता है शिया से कि आप कौन हैं, धर्म के एतबार से आप कौन हैं, तो वो कहेंगे कि हम मुसलमान हैं। और सुन्नियों से अगर आप पूछते हैं कि धार्मिक एतबार से आप कौन
कौन हैं, क्या नाम है आपका, तो वो भी यही कहेंगे कि हम धार्मिक एतबार से हम मुसलमान हैं। तो जब दोनों मुसलमान हैं तो विवाद का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मान्यता का कुछ फ़र्क है थोड़ा सा, कि उनकी थोड़ी सी मान्यता अलग है और हमारी अलग है, लेकिन वो भी उसी खुदा को मानते हैं जिस एक खुदा को सुन्नी मानता है, उसी एक खुदा की और उसकी वहदत पर वो भी यकीन रखते हैं और उसकी वहदत पर सुन्नी भी यकीन रखते हैं। तो ये तो बेसिक बात है, तो ये तो बात ही बिल्कुल जो है वो बस यही खत्म हो जानी चाहिए। ईद के रोज जब ये दोनों संप्रदाय के लोग एक दूसरे से गले मिलकर आपस में बधाई देते हैं, तो ये अनुमान लगाना नामुमकिन हो जाता है कि कौन शिया है और कौन सुन्नी। जब खुदा ने इनमें फर्क नहीं समझा तो इंसान चाहकर भी फर्क पैदा नहीं कर सकता। खुदा सबके लिए एक है, सबके दिलों में उसकी मौजूदगी है और हम सब अल्लाह के बंदे हैं।